सप्लाई का खत्म हो चुका है, हमने इंजन का सारा सामान धोकर के रख दिया है। अब हम इस सामान को असेंबल करेंगे, देखिए किस तरह असेंबल का काम होता है। तो ये हमारे गियर आ गए हैं, इनको इस तरह से फिट किया जाता है। नमस्कार भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि स्प्लेंडर बाइक के गियर किस तरह वर्किंग करते हैं और उन्हें किस तरह से फिट किया जाता है और कैसे पता लगाएं कि ये गियर हमारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी हमने ये चैम्बर के ऊपर जो है गियर बॉक्स बिठा दिया है, अब इनका पता लगाएंगे कि हमारे ये गियर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको न्यूट्रल पे लेंगे, जैसे कि अभी ये न्यूट्रल पे है हमारा, तो इस शाफ्ट को हम घुमाएंगे तो इस शाफ्ट को ऐसे पकड़ के रखेंगे तो ये शाफ्ट घूम रही है, ये शाफ्ट नहीं घूम रही, इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारे जो चारों गियर वर्किंग पे हैं। बाकी का ऐसे घुमाते हैं तो ये वर्किंग कर रही है, ठीक है। और इसको न्यूट्रल पे ले आएंगे तो ये काम करती है, ये नहीं काम करेगी और ये काम करेगी, तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारी जो गियर है वर्किंग में है। इसके बाद भाइयों क्रैंक को इस तरह से असेंबल करेंगे बड़े ही आराम से। ये हमारी क्रैंक असेंबली फिट हो गई है, इसके ऊपर इस तरह से ऑयलिंग की जाती है, घुमा के चेक करेंगे, ये टाइट नहीं चलनी चाहिए। अभी इसके बाद हम इसके ऊपर पैकिंग रखेंगे, इसको मेन चैम्बर की पैकिंग बोलते हैं।
इसे ऑयल पंप कहते हैं और इसको फिट करने से पहले चेक करना जरूरी होता है कि ये ब्लॉकेज में किसी भी तरह की ब्लॉकेज तो नहीं है। अभी ये
इंजन रख दिया है और ऑलमोस्ट हमारी बाइक स्टार्ट है, रेडी है। आवाज़ बहुत अच्छी आई है और आपके सामने आवाज़ सुन सकते हो आप कितनी अच्छी आवाज़ आई है इसकी। बहुत बढ़िया रहा इंजन हमारा। थैंक यू दोस्तों।